हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम ऑटो केजी पर भैया भौजी आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से आप लोगों का दिमाग चाटने हाजिर हैं। देखिए भैया जी, वो क्या है ना, गणतंत्र दिवस आ गया है तो सोचे आप लोगों को कार मोबाइल की खबर तो हर वीडियो में देते हैं, आज काहे नहीं इस गणतंत्र दिवस पर सिर्फ बदलते टेक्नोलॉजी ही नहीं, भारतीय माता पिता की बदलती मानसिकता और न्यू इंडिया की एक तस्वीर आप लोगों को दिखाई जाए। क्या है ना भैया जी, अब तक हमारे देश में बेटियों को बोझ समझा जाता था, माना जाता था उनका जन्म ही चूल्हा चौका करने और फिर घर की बंद चौखटों में रहकर बच्चा पैदा करने के लिए हुआ है। यही वजह है कि कुछ लोग उनकी गर्भ में हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। लेकिन ये 21वीं सदी का भारत है बॉस, जिसमें अब ना सिर्फ बेटियां घर से बाहर निकलकर आपके बेटों से आगे निकल रही हैं, बल्कि घर की चौखट की बेड़ियों को तोड़कर खुले आसमान में अग्नि पंख लगाकर आपको आसमान में भी टक्कर दे रही हैं। एक बात जान लीजिए, जो औरत आपको असहनीय कष्ट सहकर जन्म दे सकती है वो कुछ भी कर सकती है। भैया जी, हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना में लेफ्टिनेंट स्वाति राठौर की, जिसने साबित कर दिया कि भारतीय बेटी अगर अपने घर में कोमल और पापा की परी है तो समय आने पर वो धरती से लेकर आसमान तक दुर्गा बनकर देश के दुश्मनों का संहार भी कर सकती है। भैया जी, इस बार गणतंत्र दिवस पर ऐसा क्या है खास, उस पर भी होगी बात। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भूल गए ना, तो कसम से बता रहे हैं ऐसा मजेदार वीडियो देखने के लिए आप बाद में तरसेंगे। खैर, ये तो हुआ चैनल का प्रमोशन। वो क्या है ना भैया जी, आजकल अपना प्रचार खुद दे सबको करना पड़ता है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि स्वाति राठौर इस गणतंत्र दिवस पर क्यों है खास और कैसे ये बेटी भारत माता की पूरी करेंगी आस। देखिए भैया भौजी चचा चाची, राजस्थान की रहने वाली स्वाति राठौर जो है ना, वो इस बार गणतंत्र दिवस पर भारतीय वायुसेना के लिए इतिहास रचेंगी। अब आप पूछिए भला ऐसा क्या तीर मारेगी। नहीं नहीं, पूछिए। तो भैया जी ऐसा है, इस बार देश की ये बेटी ना दिल्ली के राजपथ पर भारतीय इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस पर होने वाले वायुसेना के फ्लाई पास्ट को लीड करेंगी। मतलब समझे? चलिए नहीं समझे तो हम अभी समझा देते हैं। मतलब ये हुआ कि स्वाति इस बार पुरुषों के उस दंभ को तोड़ेंगी कि हर काम में बस वही लीडर हो सकते हैं, पुरुषों के उस घमंड को तोड़ेंगी कि एक महिला कभी बेहतर फाइटर पायलट नहीं बन सकती है। वो क्या है ना भैया जी, जब गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक और देश के तमाम वीवीआईपी मौजूद रहेंगे, तो स्वाति इंडियन एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट को आसमान में लीड करेंगी और उनका फाइटर जेट सबसे आगे होगा, जबकि दूसरे तमाम फाइटर जेट के पायलटों को उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलना होगा। भैया जी ये कोई आम बात नहीं है, देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन महिलाओं को स्वाति राठौर जैसी बेटियों को इस मुकाम तक पहुंचाने में इतने साल और इतने दशक बीत गए। स्वाति की इस कामयाबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं भैया जी कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है ना, वो भी उसके लिए विशेष तौर पर बधाई दी है। भैया जी, बेटी के इस आसमान छूने वाली सफलता पर ऐसा कौन सा पिता है जो खुश नहीं होगा। राजस्थान के कृषि विभाग के उप निदेशक भवानी सिंह राठौर का अपनी बेटी की इस सफलता पर सीना गर्व से फूलकर 56 इंच का हो गया है। अरे ये मोदी जी वाला 56 इंच नहीं है भैया जी, समझे कि नहीं समझे। अपनी बेटी की इस सफलता पर पिता ने कहा, मेरी बेटी ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, मैं उसके सपनों के सच होने पर अभिभूत हूँ, जो उसने देखा था अब वह वास्तविकता में बदल गया है। बचपन से ही एयरफोर्स और जहाजों को उड़ाने का सपना देखने वाली स्वाति राठौर ने अपने बचपन में एक प्रतियोगिता के दौरान तिरंगा बनाया था। देश के लिए ऐसा प्यार देखकर उसके माता पिता भावुक हो गए थे। इसके बाद उसके माता पिता ने उसके सपने को साकार करने के लिए
उसे खूब प्रोत्साहित किया, जिसके बाद आज स्वाति फाइटर पायलट बनकर न सिर्फ राजस्थान का बल्कि देश की हर बेटी का मान बढ़ा रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।